हो जाता है. सो कॉर्टिसोल इज इन फैक्ट अ हार्मोन व्हिच इज अ ब्लेसिंग फॉर अस बिकॉज़ इट कीप्स अस टुवर्ड्स द पॉजिटिव स्ट्रेस, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ नेगेटिव हार्मोन व्हेन इट इज लाइकली टू स्टे फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अवर ब्लडस्ट्रीम. अगर जो ये हमारे खून में बड़े लंबे अरसे तक ये सस्टेन रहता है तो फिर ये हमारे अंदर बहुत सारे साइकोसोमैटिक रिएक्शन और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का नाम दे रहे हैं ना, कि नर्व्स की रफ्तार तेज हो जाती है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है, पाउंडिंग फीलिंग आ जाती है, आपके जो ब्रीदिंग ट्रैक के मसल्स हैं उनकी इरेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है, आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डेवलप हो जाते हैं, आपको डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है, आपकी तकरीबन कोई 35 प्लस पल्सेटिंग हेडेक्स है, इसमें मीग्रेन्स भी है, पल्सेटिंग हेडेक्स भी है, नंबिंग इफेक्ट्स भी हैं, और आपके बहुत सारे टिंगलिंग सेंसेशन ओरिएंटेड हेडेक्स हैं, वो सारी स्टार्ट हो जाती है. तो ये हमारी बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली दैट इज बीइंग टारगेटेड ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस व्हिच इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज इन आवर मूड. तो इस